अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने आइसोटोप्स को डिस्कस किया था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोटोप्स की टाइप्स क्या होते हैं। आज करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स इन साइंस एंड मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स। आइसोटोप्स हैव वास्ट एप्लीकेशन। तो साइंस में और दूसरी टेक्नोलॉजीज में आइसोटोप्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सबसे बड़ी एप्लीकेशन आइसोटोप की है, वो इस्तेमाल होती है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन पर्पज के लिए हम आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं। दे आर अप्लाइड इन डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज लाइक कैंसर। वट आर द यूजेज ऑफ आइसोटोप्स? रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। किसी भी कैंसर को जब ट्रीट करते हैं तो वो फील्ड कहलाती है रेडियोथेरेपी। स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो आइसोटोप यूज किया जाता है वो होता है फॉस्फोरस 32 एंड स्ट्रॉन्टियम 90, क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन को इमिट आउट करता है। तो लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन इस्तेमाल की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। कैंसर के लिए जो आइसोटोप यूज़ किया जाता है वो होता है कोबाल्ट 60। तो कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इमिट करता है स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गामा रेज, तो वो बॉडी को अफेक्ट करेंगी। सेकेंड यूज ऑफ आइसोटोप है स्ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज एज स्ट्रेसर। किसी भी ह्यूमन बॉडी में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को एज अ स्ट्रेसर इन मेडिसिन यूज किया जाता है ताकि वो ये डायग्नोस कर सके कि ह्यूमन बॉडी में कोई ट्यूमर तो नहीं है। तो आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गॉइटर इन द थायरॉइड ग्लैंड। इसी तरीके से हम टेक्नीटियम को यूज करते हैं फॉर द मॉनिटर ऑफ बर्न ग्रोथ। थर्ड यूज ऑफ आइसोटोप है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टोन्स एक्सेट्रा। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के जरिए हम किसी भी फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटरमिनेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि फॉसिल्स वगैरह बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन दैम। रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 को यूज करते हैं किसी भी फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए, और उसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है और कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। फोर्थ यूज ऑफ आइसोटोप्स इज केमिकल रिएक्शन द स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन द केमिकल रिएक्शन टू फॉलो आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड अल्टीमेटली टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। किसी भी रिएक्शन के दरमियान में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को फॉलो करे, एलिमेंट का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करे। ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा हो उसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज करते हैं और ताकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को फॉलो करे और स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करें। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन 14। कार्बन 14 को यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ यूज ऑफ आइसोटोप है एप्लीकेशन इन द पावर जनरेशन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड विद द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। द यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94 एंड द 3 न्यूट्रॉन्स। यूरेनियम 235 पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बमबारी की गई, तो जब यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेक हुआ तो उसमें से जो रेडिएशन यूरेनियम ने प्रोड्यूस की वो थी बेरियम 139, क्रिप्टॉन 94 और 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस किए, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस की। ये जो एनर्जी यहाँ रिलीज हुई है इस एनर्जी को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज विच इज यूज टू कन्वर्ट वाटर इन टू द स्टीम इन बॉयलर्स। द स्टीम देन ड्राइव्स द टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।